कांग्रेस का ऑफिशियल रिएक्शन आ गया है सीए को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर चुनाव से एन पहले का वक्त चुना गया है सीए को लाने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए अभी सीए लागू किया गया है, जो समाजवादी पार्टी कह रही है असल में बंगाल में असम और बंगाल में ध्रुवीकरण का प्रयास है। सरकार बताए कि 4 साल 3 महीने क्यों लगे। गौरव भाटिया है जो कि ब्रेक से पहले भी एक सवाल पूछने की चेष्टा कर रहे थे, और डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी हैं, साजिद रशीदी भी हैं, विवेक जी भी हैं और तौसीफ खान भी हैं। गौरव भाटिया, जयराम रमेश का स्पष्ट रूप से कहना है कि असम और बंगाल में ध्रुवीकरण की कोशिश है, 4 साल 3 महीने का इंतजार क्यों, और आप सवाल क्या पूछना चाह रहे थे रशीदी जी से? पहले मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, आप याद करिए सोनिया गांधी जी का एक बयान आया था, सीए का कानून जब संसद से पारित हुआ था, उन्होंने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, और ये एक रैली में कहा था अमित जी। उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, और दंगे ऐसे हुए कि जिसमें तमाम भारतीय मारे गए, और अंकित वर्मा का आपको याद होगा किस तरह से उसकी हत्या करी गई थी। दोषी कौन? जहरीली नफरत फैलाने वाली कांग्रेस पार्टी। खैर, ये तो उत्तर हो गया इनका। अब साजिद रशीदी यहां पे हैं, मेरे उनसे दो सवाल हैं, साजिद जी उत्तर भी देंगे। साजिद जी, पहली बात ये बताइए, आपने सीए पर इतना ज्ञान दिया, मैं पूछना चाहता हूं सीए, एनआरसी और एनपीआर, इसका फुल फॉर्म बताइए पहले। मुझे पता था यही पूछोगे आप, लिखो कॉपी पेन लेके। हाँ हाँ, लिख रहा हूँ। कॉपी और पेन उठाओ और लिखो तीनों का। हाँ, मैं लिख रहा हूँ। डबल ए का मतलब है मत, गूगल सिटीजन करिए, बताइए सिटीजन। हाँ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर पॉपुलेशन। गलत। नेशनल रजिस्ट्रेशन, सुनिए नेशनल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर भूल गए बेचारे। सिटीजन है क्या? फिर से बोलिए, सुन लो। और एनपीआर का मतलब है, एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तीनों का बता दिया मैंने, लिख लिया आपने सही, और कोई ज्ञान दूं? गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। और कोई ज्ञान दूं? अब सुनिए, मेरा दूसरा सवाल है, और कोई ज्ञान दो? अच्छा, कोशिश अच्छी थी, मुझे पता था यही पूछोगे। अच्छा लगा, बताइए। अच्छा लगा मुझे, ब्रेक में तैयारी करी तो भी गलत हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा मेरा सवाल है, आपने कहा धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। साजी जी, दूसरा सवाल है, ले लेंगे, आप समझदार व्यक्ति है। दूसरा सवाल मेरा ये है, आपने अभी कहा था धर्म का एंगल नहीं होना चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप तो कुरान का हर शब्द मानते हैं ना कि नहीं मानते हैं? एक बार हाँ या ना में बता दीजिए, हर शब्द मानते हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूं, मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूं। बहुत अच्छा है। अब ये बताइए, आपकी सूरह 9 आयत 5 मेरे हाथ में है, आपकी पाक कुरान है, ये कहती है जहां काफिरों को देखो मार दो। अब यही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी होता है जहां मुस्लिम बहुल्य है, तो आप इससे सहमत है कि जहां काफिर मतलब बुत परस्ती करने वालों को मार दो, आप इससे सहमत है? देश जानना चाहेगा भारत। जवाब ले लो वकील साहब, जवाब ले लो। आपका, आपको ज्ञान दे दूं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर बैठ गए। अब सुनिए, पूरा ज्ञान सुनिए, ज्ञान दीजिए, पूरा ज्ञान सुनिए, पूरा ज्ञान ये है, ये आयत उस वक्त के लिए है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जंगे हुआ करती थी कुफ्र और इस्लाम की, ये उस वक्त के लिए है, ये आज के लिए नहीं। अच्छा। आयत, ये ज्ञान दे दूं आपको, इससे भड़काइए अच्छा। मत लोगों को। तो फिर क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? वसीम रिजवी ने भड़काने की कोशिश की थी, 26 आयतों को लेकर। मुझे लगता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आ जाना चाहिए, पॉलिटिकल विषय पे आ जाना चाहिए, पॉलिटिकल विषय पे आ जाना चाहिए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग भदौरिया, विवेक श्रीवास्तव, दोनों कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मुझे अनुराग मुझे देखिए, कमाल का एक नजारा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किताब लेके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, किताब लेके हिंदुस्तान की बात कर लो, हिंदुस्तान के किसान की बात कर लो। तो सीए के साथ है या विरोध में? समाजवादी पार्टी सीए के साथ है या विरोध में? मैं जवाब दे रहा हूँ।
हिंदुस्तान के छात्रों की बात कर लो, हिंदुस्तान के युवाओं की बात कर लो, हिंदुस्तान के बेरोजगारों की बात कर लो, किताब दिखा के कि उनको कितना न्याय आप दे रहे हो। एक बात, दूसरी बात, जो लोग जो हमारे बेरोजगार दूसरे देशों में जा रहे हैं रोजगार पाने के लिए, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं जहां वार चल रहा है, वहां रोजगार पाने जा रहे हैं, उनको तो कम से कम अपने देश में रोजगार दे दो, वो विदेश में क्यों जा रहे हैं। एक तो तीसरी बात, लाखों लोग हमारे देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों में क्यों चले गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। बार बार अनुराग, अनुराग आप निरंतर बोलेंगे, मेरा एक प्रश्न है जिसको मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं अनुराग भाई, मेरा उसका स्पष्ट जवाब दीजिए। आप सीए के कानून के पक्ष में है, उसके खिलाफ में है? मैंने आपको ताल्लुक मेरा आपकी पार्टी है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आया है, चुनाव आने के समय में इनके सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं, ठीक है, बीजेपी फेल हो चुकी है, समाजवादी पार्टी पास हो रही है सीए के मुद्दे पर, सीए के मुद्दे पर आप फॉर है या अगेंस्ट है, आप साथ में है या खिलाफ है? अरे प्रभु बोलने दो, बोलने दे रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए, रुकिए ना, चुप रहिए ना, मैं बोलने दीजिए। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु राम का राजनीतिकरण किया, जनता ने नकार दिया, इन्होंने पार्टियां तोड़ी, जनता तोड़े, जनता ने नकार दिया, नेता तोड़े, फिर ये ईडी सीबीआई इनका इस्तेमाल किया, वो भी जनता ने इनको नकार दिया, अब सीए लेके आए कि नफरत की राजनीति कैसे फैलाएं। अब मैं उत्तर दे दूंगा अमीन जी, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की समस्या की बात नहीं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देखिए आप 2.5 मिनट बोले लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा फिर आपसे निवेदन है, सीए के पक्ष में है उसके खिलाफ है? आपकी अपनी लाइन क्लियर नहीं है, आप बीजेपी से पूछ रहे हैं सीए के पक्ष में है उसके खिलाफ है? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आपने करी, वाजिब सवाल है आपका, ओके यू मेड योर पॉइंट, मेरे को विवेक के बाद भी जाना है, विवेक विवेक मैं गौरव आपका एक ही बार रुक करूंगा, विवेक एक सेकंड, ये अंतहीन बात नहीं हो सकती अनुराग जी, अनुराग जी अंतहीन बात नहीं हो सकती, ऑडियो डाउन करिए। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव वाजिब सवाल है, क्या आपको लगता है कि पोलराइजेशन की बीजेपी कोशिश कर रही है? जब आप लोग इसका विरोध करेंगे तो अपना पोलराइजेशन होगा। अब बताइए अगर कोई प्रताड़ित हिंदू सिख बौद्ध जैन है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आएंगे तो जाएंगे कहां? कोई दूसरा मुल्क हो तो बता दीजिए। नहीं बिल्कुल ठीक बात है आपकी, भाई कोई भी इस देश में इसके खिलाफ नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी का, चाहे हिंदू हो या नॉन हिंदू हो, कोई प्रताड़ित है तो हम उसे शरण जरूर दें, लेकिन उसमें रिलीजन का एंगल ना लाएं, इसमें मुसलमानों को भी जोड़ा जाए। 72 फिरके हैं मुसलमानों के, शिया अहमदिया ये परसिक्यूट होते हैं पाकिस्तान में, अनेकों और फिरके परसिक्यूट होते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएशन ना करें। और दूसरा आप डिसाइड कैसे करेंगे कौन प्रताड़ित है कौन नहीं? चाहे हिंदू कम्युनिटी ही हो उसकी जांच कौन करेगा? बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। तो जिस प्रकार से फार्मर के काले कानून वापस कराए गए थे, सीएए को भी सरकार को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस का जो आधिकारिक बयान आया है, वामपंथ भी वही कह रहा है, 4 साल के बाद आप इसको लेकर के आए हैं, इसलिए नहीं कि आपका इंटरेस्ट बेटरमेंट में है, सिर्फ पोलराइज करके 2024 के इलेक्शन में आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, खासकर बंगाल आसाम, इन इन राज्यों को आप प्रभावित करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मुसलमान पोलराइज करना चाहते हैं इस बंगाल के अंदर, ये हार रहे थे चुनाव के अंदर। एक सेकंड, बार बार बोला जा रहा है कि चुनाव के चलते लाए हैं, क्या अगर सीए नहीं आता तो बीजेपी चुनाव हार रही थी? अभी तक ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं? नहीं, यह भी एक हथकंडा है, बहुत सारे ओपिनियन पोल से यह भी एक हथकंडा है, एनडीए को दे रहे हैं आप कह रहे हैं, मतलब ये बात अनुराग जी ने भी बोली, ये बात प्रियंका जी ने भी बोली। मेरा स्पष्ट सवाल है, क्या बीजेपी चुनाव हार रही थी इससे पहले? किस ओपिनियन पोल के अंदर बताया गया कि बीजेपी चुनाव हार रही है इससे पहले? जी, 3 राज्यों में चुनाव आए, सीए तो नहीं था जीते या हारे, लेकिन 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 सुपर साफ हुआ कांग्रेस का, हर पार्टी नहीं, हर पार्टी जीतना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी जीतना चाहती है, उनका अधिकार है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है उनकी पार्टी, जरूर ट्राई करें, लेकिन अब ये सारे हथकंडे ट्राई कर रहे हैं, राम मंदिर से लेकर के और ये सीए अब लाया गया है, सब कुछ ये कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट की एक स्टैंड है।